अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हूँ। फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल मसाले वाली। उसके अंदर ये जो सेम की फली आप देख रहे हैं, उसको डाल के मैं बनाऊंगी मसाले वाली। और आप देख रहे हैं मैं उसके लिए क्या क्या लिए हैं। देखो, ये पूरा उसका मसाला है, दिख रहा है आपको। टमाटर, कांदा, मिर्ची, लहसुन, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग इलायची, सब मैंने थोड़ा थोड़ा से लिया है। 250 ग्राम दाल है। हाँ, ये सब मैंने इतना इतना खाली, दिख रहा है आपको, देखिए। बस दो बड़ी इलायची है, दो लौंग है, दो इलायची है, थोड़ा सी जीरा है, कांदा है, लहसुन है, और ये सूखा मिर्चा है लाल वाला। और एक इंच, एक से डेढ़ इंच आप अदरक ले सकते हैं। ये देखिए, ये डाल के मैं बनाऊंगी। ये कांदा हम मसाला भुजने के टाइम यूज़ करेंगे। ये चार टमाटर है, आप अगर खट्टा नहीं खाते हैं तो आप दो टमाटर यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, अभी ये साफ हो रहा है। ये देखिए, दाल अभी अच्छे से वॉश हो रहा है। ये 250 ग्राम मैंने दाल लिया है। दाल को अच्छी तरह से धो के अब इसमें क्या डालेंगे, हल्दी नमक डाल के पहले ना, हल्दी नमक डाल के पहले इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और मसाला अलग से भून के डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हल्दी नमक। एक चम्मच, मतलब आधा चम्मच हल्दी डाले हैं और एक चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये देखिए, कितना सीटी में दाल हो जाएगी, चार सीटी आने तक का इसे ऐसी रखेंगे। जब चार सीटी हो जाएगी तो फिर हम अपना दाल चेक करेंगे। अब यहाँ पे बनाते हैं मसाले का पेस्ट, देखते हैं। ये देखिए, आधा चम्मच नमक डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से रख दिया उबलने के लिए। इसे ज़्यादा नहीं गलाना है, बस खाली हल्का सा भाप दे के फिर इसे निकाल लेना है। अब हम बनाने जा रहे हैं अपना पेस्ट। अब ये मसाले को हम बारीक पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे। हम अपने मसाला भुनने की तैयारी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम अपना मसाला भुन रही है। देखिए, इसके अंदर मैंने तेज पत्ता, कांदा और दालचीनी का, एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसे हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। अभी जब तक कांदा हमारा ब्राउन होता है, जब तक आप यहाँ का देख लीजिए, एकदम बारिश का मौसम हुआ है। कांदा भी हमारा ब्राउन हो रहा है। अब जब कांदा ब्राउन हो जाएगा तो हम उसमें मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए, कांदा अच्छी तरह से लाल हो गया था, अब इसके अंदर मसाला ऐड कर दिए हैं, दिख रहा है आपको। अब मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, ये वाटी को पूरा अच्छी तरह से पूरा साफ करके पानी इसमें ऐड कर लेना है, दिख रहे हैं। इसी में हम डाल देंगे हल्दी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है, हमने ये जो सेंग की फली है इसमें भी नमक डाला है। देखिए, ये उबल रहा है, अब इसे गैस बंद कर देना है, क्योंकि ये हो गया है। अब इसमें थोड़ी कसर है, वो हम मसाला भुनने के टाइम पूरी कर लेंगे। अब इसी में हमने लिया है टमाटर, ये सब एक ही साथ डाल के अब इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करना है। अब जब ये भुन जाएगा, इसका कोरमा बाहर आ जाएगा, पूरा तेल अच्छे से बाहर आ जाएगा, तो आपको आगे दिखाती हूँ। हाँ, तो फिर देखिए, यहाँ पे मैं अपना चावल जा रही हूँ बनाने के लिए। ये चावल बनाएंगे, फिर उसके बाद से रोटी बनाएंगे।
देखिए नमक डाल के अब ये यहाँ पे हमारा राइस बन रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मसाला कितना हुआ है। अभी इसमें टाइम लगेगा, इसे ना मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है जब तक खूब अच्छे से तेल ना आ जाए। तो अब इसको टाइम लगेगा, जब तक मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, मसाला कितनी अच्छी तरह से भुना गया है, दिख रहा है। ये देखिए इसकी तरी, देखिए तेल की तरी पूरी बाहर आ गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको सलजम के क्या बोलते हैं, सेम की फली क्या बोलते हैं, अभी पता चलेगा। ये देखिए ये ना पूरी तरह से गलना नहीं चाहिए, इसका थोड़ा कमी रहना चाहिए, बाकी का जो रहेगा हम इसके अंदर डाल के इसके अंदर ऐड करके पूरा अच्छे से भून लेते हैं एक मिनट तक का। और फिर उसके अंदर हम डालेंगे अपनी दाल। ये बहुत सिंपल से बहुत चटकारी रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी दाल कैसी लगी। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे दाल। अब ये दाल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दिख रहा है आज एकदम ऐसे सिंपल खाना खाएंगे, दाल, मसाले वाली चने की दाल, चावल और रोटी। अब इसके अंदर ये थोड़ा ऐसा आपको अगर ऐसा ठीक चाहिए तो आप ऐसा रख सकते हैं, पतला चाहिए, गाढ़ा चाहिए तो ऐसा रखिए, और पतला चाहिए तो इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दीजिए। मैं थोड़ा इसमें पानी ऐड करूंगी। देखिए मैंने इतना पतला किया है क्योंकि अभी ये दाल जो अभी पूरी थोड़ा अक्खी है, ये पूरी और गल के तो ये थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी, इसके लिए मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा पतला कर दिया है। फिर ये धीरे धीरे अपने आप ठंडी होती जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी कोथमी, जब तक इसे ढक के रखते हैं, और जब ये खोल जाएगा तो फिर इसके अंदर हम कोथमी डाल देंगे। फ्रेंड चने की दाल में सहजन की फली डाल के मसाले वाली दाल बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बना है, एकदम चटकारी, एकदम तीखी दाल, स्पाइसी है। और ये देखिए आज लंच हमारा, देखिए ये आज लंच हमारा दाल चावल रोटी और ये रेडीमेड नींबू का अचार है, आप इससे खाइए। और ये घर का होममेड अचार है, ये मेरी आपा बनाई है, ये बहुत ही अच्छा अचार बना है, इसकी भी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह जब कैरी का सीजन आएगा। तो आज हम लंच में यही खाएंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।